गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये पिछले एग्जाम्स में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लैटिनम, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट, जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल, मार्स गैस क्या कहलाता है मीथेन, नोबेल गैस क्या कहलाता है हीलियम, विद्युत धारा मापी जाती है एमिटर से, पारा का प्रमुख ऐसक है सिनेबार, टेलीविज़न का आविष्कार किया है जॉन एल बेयर्ड ने, रडार का आविष्कार किया है टेलर एवं यंग, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी न्यूटन ने, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है एसिटिक, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल, दूध खट्टा होता है क्योंकि उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, प्याज व लहसुन में गंध होता है उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण, एक्स किरणों की खोज की रोंटेनजन ने, स्कूटर के आविष्कारक है ब्रॉडशा, रिवॉल्वर के आविष्कारक कोल्ट, समुद्र की गहराई नापते हैं फैदोमीटर से, डीएनए संरचना का मडाल दिया वॉटसन व क्रिक ने, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यूरिया, टेलीफोन के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट, पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, चेचक के टीके की खोज की है जेनर ने, जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल, चंद्रमा पर उतरने वाली पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी यूरी गागरिन, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांकी और सबसे छोटी हड्डी स्टेफिस जो कान में होती है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफल्सिया, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन 12, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है B12, रतौंधी रोग किस विटामिन से के कमी से होता है विटामिन ए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बेरी बेरी, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है आंत, रेबिस के टीके की खोज किसने की लुई पाश्चर ने, हैजा व टीवी के जीवाणु की खोज की रॉबर्ट कोच ने 1982 में, रक्त में पाया जाता है लौह तत्व, एक्स किरणें हैं विद्युत चुंबकीय किरणें, पानी में हवा का बुलबुला होता है अवतल लेंस, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा न्यूनतम, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने के कारण प्रकाश का अपवर्तन, इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है बढ़ जाती है वह, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा काला, यूरिया को शरीर से अलग करते हैं गुर्दे, मानव त्वचा का रंग बनता है मेनालिन के कारण, कच्चे फलों को पकाने में काम आता है इथिलिन। तो दोस्तों, ये टॉप 44 क्वेश्चंस है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।